हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेटियो 350 के फर्स्ट सर्विस का डिटेल्ड वीडियो। दोस्तों, शायद ही ये वीडियो आपको इतने डिटेल में यूट्यूब पे मिले और आपको ये वीडियो देख के पता चल जाए कि आपके मेटियो 350 में कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, फर्स्ट सर्विस में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही डिटेल वीडियो है ये, मैं एक एक स्टेप बाई स्टेप आपको सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। और आपको हमारे चैनल पर ऐसी यूनिक वीडियो मिलते रहते हैं मेटियो 350 की, तो पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल टेक राइडर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। सर्विस कॉस्ट आपको लास्ट में वीडियो को मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, हम सर्विस सेंटर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। ये भदोही व्हील सर्विस सेंटर है भदोही डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने हमें यहाँ पे वीडियो शूट करने का चांस दिया। और बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सर्विस सेंटर के स्टाफ को, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे दोस्तों, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मुझे ये वीडियो शूट करने में। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑयल चेंज का। यहाँ पे इंजन ऑयल को चेंज किया जाएगा। नीचे की तरफ उसका नोज है जहाँ से इंजन ऑयल को निकाला जाता है, और वहाँ पे सबसे पहले इसे ओपन किया जाता है, वहाँ से ये इंजन ऑयल जो है वो पूरा ड्रेन कर लिया जाता है, और इसमें फिर इंजन ऑयल से डाला जाएगा। और इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है दोस्तों इस बाइक में, वो है 2.2 लीटर की, लेकिन इसमें जो फिलअप किया जाता है वो 1.7 लीटर ही है। तो दोस्तों, जैसे ही ये इंजन ऑयल वहाँ से ड्रेन हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों, वो है इसके ऑयल फिल्टर चेंज का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो ही चीज़ें मेटियो 350 के फर्स्ट सर्विस में चेंज होती हैं, एक है उसका इंजन ऑयल और दूसरा है उसका ऑयल फिल्टर। तो जो ऑयल फिल्टर है पुराना वाला, उसे निकाल लिया जाता है, और ये देखिए बिल्कुल नया ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर यहाँ पे फिर से लगाया जाएगा। और ये ऑयल फिल्टर का आप देख सकते हैं, यहीं पे ऑयल फिल्टर लगता है रॉयल फिल्ट मेटियोर का, तो आप भी जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों, ऑयल फिल्टर को फिर से लगाने के बाद, चेंज करने के बाद, यहाँ पे इंजन ऑयल को फिर से रिफिल किया जाता है। 1.7 लीटर इंजन ऑयल डाला जाता है यहाँ पे। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, क्या हम कोई अपने खुद का मोटिल या किसी और ब्रांड का इंजन ऑयल खुद का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे बस रॉयल फिल्ट यहाँ पे अलाउ नहीं करते, और खुद का लिक्विड गन इंजन ऑयल बस यूज करती है, जो कि ये ड्रम्स में आते हैं, वहीं से निकाल के सिर्फ यही इंजन ऑयल डीलरशिप में डाला जाता है, और कोई अलाउ नहीं करते हैं ये लोग। फोर्थ स्टेप दोस्तों है, यहाँ पे एयर फिल्टर को चेंज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में आपको टूल बॉक्स और बैटरी वाली जगह मिलेगी जो साइड पैनल में, और जो लेफ्ट साइड का साइड पैनल है वहाँ पे आपको एरिंग की से ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा एयर फिल्टर का कैबिनेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइड पैनल है दोस्तों, वो प्लास्टिक का है, मेटल का नहीं है, तो इसे ध्यान से निकलवाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ये एयर फिल्टर आपका निकल गया, और इसे ध्यान दीजिएगा कि ये एयर फिल्टर यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता है फर्स्ट सर्विस में, यहाँ पे बस इसे क्लीन किया जाएगा, और उसके बाद फिर से इसे री इंसर्ट कर दिया जाएगा इसी बाइक में, जो यहाँ पे कैबिनेट आप देख रहे हैं। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे एक्सेलरेटर का है इसके, वहाँ पे देखिए ये घूमता है, मैं इसे घुमाता हूँ तो इसी से काम करता है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैं सोचा आपको दिखा दूँ। उसके बाद दोस्तों, आपके सारे जो नट्स हैं एयर फिल्टर को री इंसर्ट करने के बाद, सारे नट्स हैं जितनी भी बाइक्स में नट्स हैं, स्क्रू है, उसे बिल्कुल टाइट किया जाता है, सभी इंजन का जो फर्स्ट का जो डिस्क ब्रेक है वहाँ का, जितने भी नट बोल्ट्स होंगे वो सभी को फिर से टाइट किया जाएगा। ये मस्ट रिकमेंडेड है फर्स्ट सर्विस में, तो वही समय हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में एयर फिल्टर को चेंज करने के बाद। और जब तक दोस्तों ये स्क्रू को टाइट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक राइडर को, और हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो टाइम आता है कि इसके जो टेंशन है चैन का, उसे टाइट किया जाता है। ये चलते चलते 500 किलोमीटर तक काफ़ी ढीला हो गया था, तो फिर उसके बाद इसे टाइट किया जाता है। उसके बाद टाइट करने के बाद इसे क्लीन किया जाएगा और इसे ल्यूब किया जाएगा। चैंस को टाइट करने के बाद दोस्तों, इसके बाद इसे क्लीन और ल्यूब किया जाता है रॉयल एनफील्ड की जो चैन ल्यूबर और क्लीनर आता है उसके यूज से। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसे क्लीन किया जाएगा, और उसे इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, कैसे क्लीन और ल्यूब किया जाता है, तो वो नेक्स्ट अभी मैं अपलोड कर लूँगा आगे आने वाले वीडियोज में। तो इसे चैन ल्यूब करने के बाद, उसके बाद इसे फिर नीचे किया जाता है, और उसके बाद मैकेनिक्स थोड़ी से टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, इसे चलाने के लिए टेस्ट करते हैं कैसी चल रही है। और इस बीच दोस्तों, बाइक के ब्रेक्स को भी टाइट कर दिया जाता है ल्यूबिंग के बाद उसका। सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मुझसे मिस हो गया, तो उसके लिए सॉरी। और उसके बाद थोड़ी टेस्टिंग करने के बाद इसकी वॉशिंग होती है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो कॉस्ट आई मुझे फर्स्ट सर्विस की, वो थी 728 रुपीज़ दोस्तों। अब इसमें दोस्तों, मैं प्राइस को ब्रेक, इंजन ऑयल का कॉस्ट था दोस्तों, वो
मुझसे लिया गया 578 रुपीज का, और जो इंजन ऑयल का फिल्टर था उसकी कॉस्ट थी लगभग 150 रुपीज़। तो आप टोटल करते हैं तो 728 रुपीज़ फर्स्ट सर्विस कॉस्ट थी मेटियोर 350 की। इसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्ज मुझसे नहीं लिया गया, चाहे वो चैन ल्यूबिंग का हो, चैन क्लीनिंग वाला हो, उसके अलावा कोई भी एडिशनल कॉस्ट मुझसे नहीं और चार्ज किया गया, बस 728 रुपीज़ फर्स्ट सर्विस कॉस्ट है मेटियोर 350 की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल टेक राइडर को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। एक और डिटेल वीडियो आएगा जहाँ मैं इससे राइडिंग अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, यहाँ पे सर्विस सेंटर की सर्विस कॉस्ट को कंपेयर करूंगा इससे कंपटीशन में जितनी भी बाइक आती है, क्लासिक, जावा, बनेली या फिर सीबी 350 से। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बढ़िया भैया।